किसान भाइयों, जून और जुलाई के महीने में बहुत सारी सब्जियों की खेती की जाती है, लेकिन कुछ सब्जियों का मार्केट में अच्छा रेट मिलता है और कुछ सब्जियों का नहीं मिल पाता है। तो जून और जुलाई के महीने में हम ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं जिनका कि काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो बरसात में आप काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई भी जनरेट कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान में जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है मिर्च की खेती। किसान भी बरसात में जो मिर्च का रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप बरसात में मिर्च की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नर्सरी डालनी होती है और नर्सरी जो है वो बुआई के बीज बुआई के 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है और उसके बाद आप उसकी रोपाई कर दीजिए और रोपाई के 50 से 55 दिन के अंदर जो मिर्च है उसका उत्पादन निकलना शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस समय अगर आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो कौन सी उन्नत किस्में होंगी, चलिए वो जानते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की खेती के लिए आप इस समय नामधारी की NS1701DG वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप VNR की 305 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। और जो हमारी दूसरी फसल है वो है टमाटर की खेती। किसान भाइयों, बरसात में दीपावली से पहले टमाटर का जो रेट होता है वो पूरे साल में सबसे ज़्यादा होता है, तो इस समय आप टमाटर की खेती करके भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। टमाटर की नर्सरी भी 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है और रोपाई के 50 से 60 दिन के अंदर जो टमाटर है उसका उत्पादन निकलना शुरू हो जाता है। अगर इसके लिए हम उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों, तो आप सिजेंटा की साहो 3251 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप सेमिनीज की अभिषेक वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी तीसरी फसल है वो है फूल गोभी की खेती। किसान भाइयों, बरसात के समय में आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। इस समय जो आपको फंगीसाइड का इंसेक्टीसाइड का खर्चा है वो ज़्यादा आएगा, आपको देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और उत्पादन भी आपको सर्दी के मुकाबले कम मिलेगा। लेकिन अगर हम रेट की बात करें तो रेट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आप जून के महीने में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं या फिर आप जुलाई में भी डाल सकते हैं और अगर आपने मई में डाली है तो आप अभी इसकी रोपाई भी कर सकते हैं। जितनी पहले आप इसकी रोपाई करेंगे उसके 70 दिन बाद जो आपका फूल गोभी है वो मार्केट में जाएगा और उस समय जो मार्केट में फूल गोभी का रेट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर हम फूल गोभी के लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो आप सिजेंटा की CFL1522 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये बरसात के लिए फूल गोभी की काफ़ी अच्छी किस्म होती है। किसान भाइयों, जो हमारी चौथी फसल है वो है भिंडी की खेती। किसान भाइयों, आप जून और जुलाई के महीने में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। भिंडी एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है और अगर आप इसका अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आप 3 से 4 महीने लगातार इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एक एकड़ भिंडी की खेती के लिए आपको 15 से 18 हज़ार रुपये की लागत आती है और अगर हम उत्पादन की बात करें 100 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल पर एकड़ तक का उत्पादन आपको मिल सकता है। अगर इसके लिए हम उन्नत किस्मों की बात करें तो आप एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप माहिको की माही 28 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है बैगन की खेती। किसान भाइयों, बैगन एक ऐसी फसल है जिसका कि मार्केट में आपको अच्छा रेट भी देखने को मिलेगा और अगर आपको रेट थोड़ा कम भी देखने को मिलेगा तो उत्पादन इसका काफ़ी अच्छा होता है, तो आप लंबे समय तक इससे भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भी इसके लिए आपको जो नर्सरी डालनी है वो आप मई से लेकर के जुलाई तक लगातार डाल सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब नर्सरी डाल रहे हैं और नर्सरी का जो समय होता है वो 28 से 30 दिन का होता है, तो 28 से 30 दिन के बाद जो आपकी नर्सरी है वो रोपाई करने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही आप रोपाई करते हैं उसके 60 दिन के अंदर आपका जो उत्पादन है वो निकलना शुरू हो जाता है और अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आप लंबे समय तक इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो आप VNR की 212 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है ग्वारफली की खेती। किसान भाइयों, गर्मी में और बरसात में जो सबसे अच्छा जिस सब्जी का रेट होता है जैसा कि मुझे लगता है वो है ग्वारफली। ग्वारफली एक ऐसी फसल है जो कि बिना किसी ज़्यादा खर्चे के आसानी से तैयार हो जाती है और मार्केट में आपको अच्छा रेट देखने को भी मिलता है। बुआई के 40 से 45 दिन के अंदर इसकी तुड़ाई होना शुरू हो जाती है। मार्केट में ग्वारफली की दो किस्में होती हैं, पहली होती है हाइब्रिड, दूसरी होती है देसी। जो हाइब्रिड होती है उसका रेट थोड़ा कम होता है, जो देसी होती है उसका रेट थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इसके लिए एक हाइब्रिड उन्नत किस्म की बात करें तो आप नामधारी की क्लस्टर बीन वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। ये इस समय बरसात के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। किसान भाइयों, आप बरसात में कद्दू की खेती कर सकते हैं। आप कद्दू की खेती
जो है वो मई से लेकर जुलाई तक कद्दू की बुआई कर सकते हैं। और कद्दू जो है वो कम लागत में तैयार होने वाली फसल है। एक एकड़ में आप लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये में एक एकड़ कद्दू की फसल तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है तब आप हरा कद्दू बेच सकते हैं, और अगर आपको अच्छा रेट नहीं मिल रहा है तो आप इसको पका करके भी रख सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर करने के बाद 2 से 3 महीने फिर भी आप इसको बेच सकते हैं। तो अगर हम इसके लिए कद्दू के लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान भाइयों, कद्दू के लिए आप साइन कंपनी के निर्वाण वैरायटी चुनाव कर सकते हैं या फिर आप VNR की 11 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, कद्दू एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 70 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देता है। और जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। किसान भाइयों, आप करेला की खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें, बरसात में जब भी आप करेला की खेती कर रहे हैं तो आपको करेला की खेती मचान विधि से करनी चाहिए। मचान विधि से करने के 2 फायदे होते हैं। पहला, अगर जो लताएं हैं ज़मीन पर फैलेंगी तो उसमें पानी, बरसात में पानी लगने का भी खतरा रहता है और कई सारे खरपतवार उग जाते हैं जिससे कि जो फनफूद है या फिर जो कीड़े हैं वो आपके फसल पे आसानी से अटैक कर देते हैं, फल और फूल को ख़राब कर देते हैं। लेकिन अगर किसान भाइयों आप मचान विधि से खेती करते हैं तो आपका जो फल है वो भी काफ़ी देखने में अच्छा रहता है और आप इससे अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें, सिजेंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी चुनाव कर सकते हैं या फिर आप सेमनीज की अभिषेक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है लौकी की खेती। किसान भाइयों, बरसात में आप लौकी की खेती कर सकते हैं। बुआई के 55 से 60 दिन के अंदर उत्पादन शुरू हो जाता है और एक बार बुआई करके आप लंबे समय तक इससे भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ध्यान रखें, जो लौकी की खेती है इसको भी आपको मचान विधि से करनी चाहिए। मचान बनाने के लिए आप एग्री वायर का सहारा ले सकते हैं, इससे आप अच्छा मचान बना सकते हैं और आप अच्छी खेती करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों, तो आप इंडो अमेरिकन की वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। ध्यान रखें, अगर इस समय आप लंबी वाली का चुनाव करेंगे, जो लौकी होती है 2 तरह की होती है, पहली होती है गोल और दूसरी होती है लंबी, तो अगर आप लंबी वाली का चुनाव करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और मार्केट में आपको काफ़ी अच्छा रेट भी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जो हमारी आखिरी फसल है वो है खीरा की खेती। किसान भाइयों, बरसात में आपको खीरा का भी काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 55 से 60 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देता है और खीरा की खेती भी आपको मल्चिंग विधि से ही करनी चाहिए। मल्च पे ही आपको इसकी बुआई करनी चाहिए। आप बुआई करेंगे उसके 50 से 60 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जितनी तरह की मैंने आपको फसलें बताई, अगर आप इन फसलों को लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से ही बहुत अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छी कमाई ले पाएंगे। पूरी जानकारी आपने सही विधि से समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।